अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फौजिया चांद नवाब, आप देख रहे हैं CNW न्यूज़। हम इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर ईसा लेबॉरेटरी में, मेडी लिंक में, जहां पे मिस्टर एंड मिसेस फरहान ईसा ने जो है अफ्तार डिनर का अहतमाम किया हुआ है और तमाम मीडिया को, सहाफ़ियों को जो है वो इनवाइट किया है। आइए चलते हैं, देखते हैं रहमतें बरकतें, रमज़ान, अफ्तार, डिनर बहुत अच्छा लगता है। हम आ गए हैं जहाँ पर जो है अफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया है, लोग आना शुरू हो गए। अब से थोड़ी देर बाद जो है वो अफ्तारी का वक्त हो जाएगा। जी बिल्कुल, हम मौजूद थे इस वक्त डॉक्टर ईसा लेबॉरेटरी में, जहां मिस्टर एंड मिसेस ईसा ने जो है डिनर अफ्तार का अहतमाम किया था और बहुत ज़बरदस्त डिनर और बहुत ज़बरदस्त अफ्तार हुआ। बहुत अच्छा लगा, बहुत डिलीशियस था, बहुत हेल्दी था। जी आप देख सकते हैं कि मिस्टर एंड मिसेस फरहान ईसा ने डिनर अफ्तार का अहतमाम किया है और तमाम डॉक्टर्स, मीडिया को उन्होंने इन्वाइट किया है और सब लोग आना शुरू हो गए। अब से थोड़ी देर बाद जो है वो अफ्तारी का वक्त हो जाएगा। जी डॉक्टर फरहान ईसा फर्दन सबसे मुलाकात कर रहे हैं और उनके इनविटेशन पे तमाम मीडिया यहाँ पे मौजूद है। क्या क्या बात क्या क्या आप जैसे आज की अच्छा देखिए सेहतमंद जो है वो क्या होती है और किस तरह जो है एक रोज़गार अपने अपने आप को जो है मेंटेन कर सकता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे ज़्यादा जो है ना ज़रूरी ये होता है कि रोज़ा जैसे आपने खोला, खजूर बहुत बेहतर है, सारे विटामिन जो है न्यूट्रिशन उसके अंदर है। फिर पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होना चाहिए, फ्राइड खाने जो है वो अवॉइड करने चाहिए क्योंकि सारे कोलेस्ट्रॉल और वेट और बहुत सारे मामलास भी होते हैं। लेकिन लोग रमज़ान में क्या करते हैं कि एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, तो मेरी सबसे गुजारिश ये है कि ज़रूर वो 45 मिनट्स ऑफ वॉक ज़रूर करें, कि जो है वो वर्जिश भी साथ साथ होनी चाहिए और रमज़ान में अपना नॉर्मल रूटीन को रखें और नींद 7 घंटे की ज़रूर है। नाम पहले बताइए। जी मेरा नाम डॉक्टर जमान शेख है, मैं सर सैयद मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन के तौर पे काम करता हूँ और यहाँ पे मेडी लिंक में मेरा क्लिनिक है। आज ईसा लेबॉरेटरी वालों की तरफ से इफ्तार पार्टी है यहाँ पे और ये रमज़ान मुबारक में हर साल ये होती है और मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि शुगर के मरीज़ों को रमज़ान में खाने पीने में क्या एहतियात होनी चाहिए। देखें जो रोज़े का मकसद है वो है भूख सहना, बर्दाश्त करना और इतनी बर्दाश्त करना कि गरीबों की हमें पता चले कि जब उनको भूख लगती है तो उनकी क्या कैफियत होती है। तो असल जो रोज़े का है वो है भूख रखना। बदकिस्मती से हम सहरी और इफ्तारी को उसके बरक्स इतना कंपेंसेट कर लेते हैं, बल्कि ओवर कंपेंसेट करते हैं कि ईद से फौरन पहले अगर वज़न करें तो सबका माशाल्लाह वज़न पहले से बढ़ा हुआ होता है और ये जो हर मुसलमान जो है ना वो माशाल्लाह ज़्यादा ओबेस हो जाता है, ये हमारी बदकिस्मती है। इस तरह में जो रोज़े की असल मकसद है उससे हम दूर हट जाते हैं। अच्छा दूसरी बात ये कि रोज़े में हम अपना गुस्सा और हसद और ये जो नेगेटिव कैफियत हैं इनसे दूर रहते हैं, तो हमारे स्ट्रेस हार्मोन रोज़े में रमज़ान में बहुत ही नॉर्मल रहते हैं। उसकी वजह से ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और दिल के अमराज आप नोट करेंगे कि कम होते जाते हैं, बशर्ते हम सहरी और इफ्तारी में बहुत ज़्यादा बेहतर न करें। अच्छा काफ़ी इतना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर यूसुफ कमाल है, मैं इंटर्निस्ट हूँ और आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल कबा में काम करता हूँ।
आज बहुत खुशी है कि हम मेडिलिंक में इफ्तारी सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये एक रिलीजियस ओकेजन तो है, लेकिन इसमें दूसरी जो खासियत है वो ये है कि सब इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे नमाज पढ़ते हैं, इकट्ठे खाते हैं। क्योंकि नॉर्मली अगर हम क्लिनिक में होते हैं तो कभी मुलाकात ही नहीं होती अपने कॉलीग से। यहाँ आज हम सब इकट्ठे हुए हैं और मैं डॉक्टर ईसा का, फरहान ईसा का शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया और उनके स्टाफ ने। दूसरा मैं कुछ बयान करूँगा कि मैं एज एन इंटर्निस्ट फास्टिंग के एडवांटेजेस का बताना चाहता हूँ। देखिए फास्टिंग जो है ये चीज़ तो हर रिलीजन में है, चाहे हिंदुइज़्म हो, जुडाइज़्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, इसलिए कि इसमें पुराने ज़माने से इसके फ़ायदे बहुत हैं। इस तरह फैक्ट्री में शटडाउन होती है, इस तरह हमें भी शटडाउन की ज़रूरत है ताकि हमारे अज़ा जो हैं उनको आराम मिले और रिपेयर हो। दूसरा इम्यूनिटी बढ़ती है, आप में कुव्वत ज़्यादा बढ़ती है, मुदाफ़ियत। जब आप 6 घंटे से ज़्यादा फास्ट करते हैं तो आपकी शुगर ख़त्म हो जाती है, उसके बाद आपकी फ़ैट मेल्ट होना शुरू हो जाती है। और आजकल आपको पता है कि नई ट्रीटमेंट जो डायबिटीज़ की है, अगर डायबिटीज़ को क्योर करना है तो 14 डेज के लिए आप सिर्फ पानी पिए और फास्ट करें। तो इसका मतलब जो रवायात सदियों पहले रिलीजन ने बनाई थी अब हम प्रूव कर रहे हैं कि मेडिकली वो करेक्ट है। तो मैं आप सबको रमज़ान मुबारक की मुबारक देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह आपके रोज़े कबूल करे। और अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर आयशा अब्बास और आज यहाँ पे ईसा लैब की तरफ से मेडलिंग में अफ्तार हो रही है। माशाल्लाह हमारे सारे डॉक्टर्स जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। मुझे यहाँ पे मेडलिंग में तकरीबन 15 साल हो गए और हमारे यहाँ पे टॉप के कंसल्टेंट्स हैं। मैं एज अ न्यूट्रिशनिस्ट यहाँ पे मधु हूँ और अफ्तार बस अब थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाली है। एज़ अ MBBS डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट मैं चाहूँगी कि लोगों को गाइड कर सकूँ कि हमें किस तरीके से अपने अफ्तार को और रोज़े को गुजारना चाहिए। कोशिश ये करना चाहिए कि रोज़ा हम खजूर से खोल के और उसके बाद हम पानी का इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि तलन का इस्तेमाल कम से कम हो, और रोज़े को खोलने के बाद हम नमाज और इबादत करके जैसे नॉर्मल तरीके से हम खाना खाते थे आम दिनों में भी वैसे ही खाने का इस्तेमाल करें। हम लोग अफ्तारी से अपने आप को इतना भर लेते हैं और उसके बाद खाने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होती, जो कि सेहत के असूल के ख़िलाफ़ है। और रोज़ा खोलने के बाद हर 1 घंटे के बाद हमें 2 गिलास पानी का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। थोड़ी सी वर्जिश भी हमें रमज़ान के दिनों में ज़रूर करनी चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ठीक है, जिन लोगों को डायबिटीज़ है और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है उनको कोशिश ये करना चाहिए कि अपनी एक तो दवाइयों का इस्तेमाल उसी तरीके से करें और उसके बाद मीठे से थोड़ा परहेज़ करें। ब्लड प्रेशर वाले अफराद जैसे हमारे पकौड़े होते हैं उनके अंदर बेसन और उसके अंदर सोडा भी डला हुआ होता है, तो उससे थोड़ा परहेज़ करें, उससे BP और ज़्यादा बढ़ जाता है। बाहर की अशिया से थोड़ा परहेज़ करें, उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और हमारे जितने भी खाने होते हैं उनमें नमक का और चीनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, तो डायबिटीज़ वाले अफराद को ये कोशिश करनी चाहिए कि मैदे और मैदे से बनी हुई अशिया से वो परहेज़ करें। चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं, तरबूज का, खरबूजे का इस्तेमाल कर सकते हैं, फलों और सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, दालों का इस्तेमाल करें। और चने इतनी बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, जितना भी चनों और दालों का इस्तेमाल करें डायबिटीज़ के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए फलों का सब्ज़ियों का इस्तेमाल बहुत बेहतरीन है। शुक्रिया। प्रेगनेंसी के अंदर एक्स्ट्रा 300 किलो कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है, तो हमारे यहाँ ये आम ख्याल है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो बहुत ज़्यादा अपनी खुराक को बढ़ा दें। ऐसा नहीं होता, दूध का इस्तेमाल सहरी में और अफ्तार में करें या दूध से बनी हुई चीज़। लस्सी इस वक्त बेहतरीन है क्योंकि अब गर्मियाँ भी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो अगर आप लस्सी का इस्तेमाल कर लें उसमें चीनी और नमक बहुत ज़्यादा ना डालें। तो लस्सी का इस्तेमाल सहरी में भी कर लें, अफ्तार में भी कर लें, और प्रेग्नेंट ख़वातीन वो भी फलों और सब्ज़ियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें तो बहुत अच्छा है। और थोड़ा खाने के बाद थोड़ा सा वर्जिश कर लिया करें, थोड़ी सी वॉक कर ली, और साथ ही साथ कोशिश करें कि अपने शुगर लेवल्स के ऊपर भी नज़र रखें, तो इंशाल्लाह ताला उनको और उनके बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा जी, व्हेन यानी क्या नाम है, व्हेन यू स्टार्ट तो लेट मी नो, तो फिर मैं ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अहमद फवाद, मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ और यहाँ पे मेडिलिंक में भी हूँ, ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ़ यूरोलॉजी हूँ और यूरोमेड में भी बैठता हूँ। तो बेसिकली यूरिनरी ट्रैक रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं वो हम डील करते हैं, गुर्दा उनमें से एक है।
اس زمانے میں سوال لوگوں کے ذہن میں یہ اٹھتا ہے کہ رمضان میں گردے کے امراض والے کیا کریں؟ گردے کے کئی مرض ہیں. اگر آپ کا یوریا کریٹینین جو گردے کے فنکشن کا ایک پیمانہ ہے اگر وہ نارمل ہے تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں نارمل طریقے سے. صرف یہ ہے کہ افطار اور سحر کے درمیان اپنا جو پانی کا کوٹا ہے وہ ضرور پورا کر لیں. لیکن اگر آپ کا کریٹینین بڑھا ہوا ہے, یوریا یا کریٹینین بڑھا ہوا ہے, تو روزہ رکھنے سے پہلے اپنے جو بھی طبیب ہیں, جو ڈاکٹر ہیں, ان سے مشورہ ضرور کیجئے, کیونکہ آپ کی پانی کی ایک سرٹن ریکوائرمنٹ ہے کہ ڈی ہائیڈریشن کی اور اس کے علاوہ, تو وہ آپ کو معلوم ہونے چاہیے. اگر آپ کو گردے کی پتھری کا مرض ہے, پرانا مرض ہے, معلوم ہے کہ گردے کی پتھری ہے, تکلیف آپ کو نہیں دے رہی ہے, کڈنی فنکشن آپ کا نارمل ہے, تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر روزے کے دوران آپ کو گردے کا درد اٹھے اور پتھری آ کے پھنس جائے, تو ایسی صورت میں آپ کو اگر دواؤں پہ رکھنے کی ضرورت ہے اس پتھری کو نکالنے کے لیے, تو یقیناً آپ کو روزہ جو ہے اس وقت اپنا نہیں رکھنا پڑے گا, اور وہ روزے آپ رمضان کے بعد جو ہے ان کو آپ کمپنسیٹ کیجئے. تو کیونکہ ان دنوں میں آپ کو یا ڈرپس کی ضرورت ہوگی یا آپ کو آئی وی فلوئڈ کے علاوہ یعنی بائی ماؤتھ پینے کی ضرورت ہوگی, تو اس صورت میں آپ روزہ ویسے بھی نہیں رکھ پائیں گے. لیکن اگر آپ کو جیسے پروسٹیٹ کا کوئی پرابلم ہے یا کہنے میں اور کوئی اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں, تو اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے روزہ رکھنے میں. باقی یہ ہے کہ جنرلی اگر اس کے اندر آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے اپنے اس کے بارے میں, تو اپنے طبیب سے مشورہ ضرور کر لیجیے. شکریہ. جی بالکل, ہم موجود تھے اس وقت دو تلوار ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری میں, جہاں پہ مسٹر اینڈ مسز فرحان عیسیٰ نے جو ہے ڈنر اور افطاری کا اہتمام کیا تھا, اور بہت اچھا انتظام تھا, بہت اچھی افطاری تھی, بہت اچھا ڈنر تھا, بہت اچھا لگا. اور یہاں پہ تمام ڈاکٹرز آئے ہوئے تھے, میڈیا آئی ہوئی تھی, اور بہت اچھی ہیلدی گفتگو ہوئی, جس سے پتہ چلا کہ روزے میں کس طریقے سے افطاری کرنی چاہیے, کس طریقے سے جو ہے سحری کرنی چاہیے, جس سے ہماری صحت ہے جو اچھی رہے گی. اور میں کہوں گی دیکھتے رہیے گا سی این ڈبلیو نیوز سلام پاکستان. ویڈیو پسند آئی چینل کو لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا.